नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के गांव बुजगरमा और उसके आसपास के गांव में पानी की किल्लत से परेशान लोगों को इस भीषण गर्मी में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आलम यह है कि इस चिलचिलाती धूप में ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। बता दें कि इस गाँव में कई दशकों से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और गाँव के सैकड़ों लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी की टंकी का सहारा है। आगरा के स्कूल में शिक्षक और महिला के बीच विवाद होने का मामला सामने आया। यहां शिक्षा अभिभावक और स्कूल में अपने बच्चे का टीसी लेने पहुंची थी, तभी किसी बात पर अभिभावक महिला और प्रधानाध्यापिका के बीच किसी बात को लेकर तुतु मैं होने लगी। बता दें कि करीब 15 मिनट तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, तभी किसी सहायक टीचर ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि अगर किसी स्कूल में इस तरह का माहौल है तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हाल ही में बुलंदशहर के जिला कारागार में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया। बता दें कि जब से जेल की कमान नए अधीक्षक मिजाजी लाल ने संभाली है, तब से वो कुछ ना कुछ नए कार्यक्रम करवाते रहते हैं। बता दें कि 4 घंटे तक चलने वाले इस भक्ति पाठ में कारागार के नवनिर्मित हॉल को भव्य सजाया गया, साथ ही इसमें सभी महिला और पुरुष बंदियों की भागीदारी भी रही। आगरा में एक ऑटो चालक की बीच रोड पर जमकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ऑटो चालक के कुछ लोग कैसे जमकर पिटाई कर रहे हैं। खबरों की माने तो युवक पर ऑटो चोरी करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आगरा में एक सिपाही की हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही। सिपाही की हत्या को 14 महीने से ज्यादा वक्त बीत गया है। हत्या या आत्महत्या, इस पर सवाल लगातार बना हुआ है, लेकिन प्रशासन अभी तक इस मामले को नहीं सुलझा पाया। वहीं आपको ये भी बता दें कि 14 महीने पहले मृतक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंद कमरे में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने इस मामले की पुलिस में तहरीर दी थी, लेकिन आज तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इसके बाद परिजनों का कहना है कि वो लोग SSP से भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। फर्रुखाबाद में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। मेरी जानकारी के मुताबिक शहर थाना कोतवाली क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक छात्र को खुलेआम पीट दिया, जिससे वो लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। बता दें कि शहर के मुख्य इलाके आवास विकास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही थी। फिलहाल लड़के के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दे दी है और बताया जा रहा है कि विवाद आइसक्रीम को लेकर हुआ था। बुलंदशहर में मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे गिरोह के 5 तस्करों को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपी के पास से 28.400 किलो गांजे सहित एक होंडा सिटी कार और 5 मोबाइल के साथ 2000 रुपये से ज्यादा बरामद हुए। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान नगर शिकारपुर तराहे पर इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा करीब 1.5 महीने पहले कपिल नाम के एक तस्कर को भी मिर्जापुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा क्षेत्र के दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला, जब 2 युवक अपने चाचा की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से अटा जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर चालक ने बाइक सवार दोनों युवकों को सामने से दुर्दांत टक्कर मार दी। सुरदार भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वही दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।
बुधवार सुबह अचानक आरटीओ कार्यालय में पहुंचने से विभाग में हलचल मच गई। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार सुबह अचानक आरटीओ कार्यालय में पहुंच गए। इस दौरान लापरवाही को लेकर सीएम ने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह अचानक आरटीओ ऑफिस पहुंच गए थे, जहां 80% कर्मचारी ड्यूटी से नदारद थे। आरटीओ को सस्पेंड करने के एक्शन से अन्य विभागों में भी हड़कंप है। बीते महीने गदरपुर में रिटायर्ड नेवी अधिकारी समेत 3 घरों में चोरियों का गदरपुर और दिनेशपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने खुलासा कर दिया। इस दौरान पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि फरार 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद कर लिया। हमीरपुर में जिला मुख्यालय में अतिक्रमण पर बुलडोजर का प्रहार। एसडीएम सिटी ने पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण हटवाया। रोड किनारे से दुकानों को अवैध तरीके से रोड तक बढ़ाए जाने पर प्रशासन का चाबुक चला है। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमणकारी दुकानों का चालान किया गया। साफ सफाई के साथ साथ दोबारा अतिक्रमण न करने की जिला प्रशासन ने हिदायत दी है। हाथरस फर्रुखाबाद से दिल्ली जा रही रोडवेज बस में अचानक भीषण आग लग गई। सवारियों ने कूद कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सड़क पर दौड़ती बेवर डिपो की रोडवेज बस में आग लगते ही बस में बैठी सवारियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी सवारियों को खिड़की और दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रोडवेज बस में अचानक भीषण आग लग गई। हालांकि वजह साफ नहीं हो पाई कि आग किन कारणों से लगी, लेकिन गनीमत रही कि किसी जान माल को नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर जितनी भी सवारियाँ बैठी थी, मौके पर मौजूद लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने एक करके सभी को सकुशल बाहर निकाले। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और किसी तरह से आग पर काबू पाया है। तो हाथरस की तस्वीरें, जहाँ पर रोडवेज बस में भीषण आग लग गई। आग लगते ही चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गनीमत रही कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। राज्य महिला आयोग की सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने कन्नौज का निरीक्षण किया। वो यहाँ के छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंची थी। महिलाओं के साथ हुई चौपाल में उनकी समस्याएं जानी और एक इंटर कॉलेज में स्थित मूल्यांकन केंद्र का औचक निरीक्षण भी किया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का